शांति अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। 25 जून 2021 मीठे मीठे बाबा के मीठे मीठे महावाक्य हम मीठे मीठे बच्चों के लिए। बाबा कहते, मीठे बच्चे इस समय तुम बाप के ऊपर बलिहार जाओ तो 21 जन्मों के लिए तुम सदा सुखी बन जाएंगे। मीठे बच्चे इस समय तुम बाप के ऊपर बलिहार जाओ तो 21 जन्मों के लिए तुम सदा सुखी बन जाएंगे। बाबा ने आज प्रश्न पूछा, ज्ञानी बच्चों को अपनी अवस्था ठीक रखने के लिए कौन सी आदत पक्की डालनी चाहिए? ज्ञानी बच्चों को अपनी अवस्था ठीक रखने के लिए कौन सी आदत पक्की डालनी चाहिए? बाबा ने उत्तर दिया, सवेरे सवेरे उठने की। सवेरे सवेरे उठकर बाबा की याद में बैठना, यह बहुत अच्छी धारणा है। जो बच्चे जल्दी सोते और जल्दी उठ जाते उनकी अवस्था सारा दिन ठीक रहती है। अज्ञानियों की नींद से ज्ञानी बच्चों की नींद आधी होनी चाहिए। 10 बजे सो जाओ, 2 बजे उठकर बैठो। गीत सुनाया बाबा ने, मुझको सहारा देने वाले तेरा शुक्रिया। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। बच्चे सब सम्मुख बैठे हैं तो जानते हैं हम जीव आत्माएं हैं। यहाँ तो जीव आत्माएं होंगी ना। जब आत्मा को शरीर नहीं है तो नंगी है, उसको अशरीरी कहा जाता है। तुम तो शरीर के साथ बैठे हो। आत्मा व परमात्मा जब तक शरीर में ना आए तो बोल ना सके। तुम जीव आत्माएं जानती हो, अब बाप के सम्मुख बैठे हैं। हूबहू जैसे 5000 वर्ष पहले सम्मुख थे। बच्चे जरूर बाप से वर्षा ही लेंगे। जानते हैं हम अपने परम पिता परमात्मा बेहद के बाप के सम्मुख बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? बाप से बेहद का वर्षा लेने। जैसे स्कूल में समझते हैं हम टीचर द्वारा इंजीनियरी बैरिस्ट्री सीखते हैं, यह एम ऑब्जेक्ट रहती है। तुम बच्चे समझते हो परमपिता परमात्मा हमको ब्रह्मा के तन से बैठ राजयोग सिखलाते हैं। भगवान उवाच, यह तो बच्चों को समझाया है कि भगवान निराकार को कहा जाता है। जीव आत्माएं पुनर्जन्म जरूर लेती हैं। कोई भी सन्यासी से तुम पूछो मनुष्य पुनर्जन्म लेते हैं तो ऐसे नहीं कहेंगे कि नहीं लेते हैं, नहीं तो 84 लाख जन्म कैसे कहते। पूछो तुम पुनर्जन्म को मानते हो? यह तो बरोबर है, आत्मा संस्कार अनुसार एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेती है। ऐसे कोई कोई मनुष्य 84 जन्म लेते हैं। 84 लाख जन्म की तो बात ही नहीं। पहला जन्म जरूर बहुत अच्छा सतो प्रधान होगा, लास्ट छीछी तमो प्रधान होगा। 16 कला से फिर 14 कला 12 कला होती जाएंगी। पुनर्जन्म जरूर लेते हैं। पूछना चाहिए
अच्छा परम पिता परमात्मा पुनर्जन्म लेते हैं या पुनर्जन्म रहित हैं? बाबा ने कहा, देखो यह पॉइंट बहुत सूक्ष्म है। अगर कहेंगे जन्म मरण रहित है तो फिर शिव जयंती सिद्ध नहीं होती। कहेंगे शिव जयंती तो मनाई जाती है, समझाया जाता है, हाँ शिव जयंती है, परंतु जन्म के साथ फिर मरना जिसे कहा जाता है वह नहीं है। अगर मरे तो फिर पुनर्जन्म ले, बाप कभी पुनर्जन्म नहीं लेते, वह इस तन में एक ही बार आते हैं बस, फिर पुनर्जन्म में नहीं आते। परम पिता परमात्मा पुनर्जन्म रहित है, वह कभी सतो प्रधान से तमो प्रधान नहीं बनते। आत्माएं तो सब जन्म मरण में आती हैं। बाबा ने कहा, आत्माएं तो सब जन्म मरण में आते आते पतित बन जाती हैं, फिर बाप आते हैं पावन बनाने। इससे सिद्ध होता है आत्मा ही पतित होती है, आत्मा घर से पावन आती है, फिर माया पतित बना देती है। बाप तो कभी पतित नहीं बनेंगे, बाप कभी भी बच्चों को गंदी मत नहीं देते। इस समय के मनुष्य पतित मत ही देते हैं। अब पावन बाप कहते हैं कि पतित नहीं बनो, अर्थात विकार में नहीं जाओ। रावण की मत से दुख धाम बन गया, पहले सुख धाम था, ऐसे नहीं बाप ही सुख दुख देते हैं। नहीं, बाप कभी बच्चों को दुख की मत नहीं दे सकते, माया ही दुख देती है। उस माया पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनते हो। मनुष्य माया का अर्थ नहीं समझते, वह धन को माया कह देते हैं, कहते हैं ना इनको माया का नशा बहुत है, परंतु माया का नशा होता नहीं। वहाँ रावण का बुत बनाकर जलाते नहीं, बुत तो दुश्मन का बनाया जाता है। रावण राज्य शुरू होता है आधा कल्प से, देह अहंकार आने से फिर और विकार आ जाते हैं। शास्त्रों में लिखा हुआ है देवताएं वहाँ मार्ग में अर्थात विकारों में जाते हैं, माया के वश होने से परवश बन जाते हैं, परमत पर चलते रहते हैं। अभी तुम चलते हो श्रीमत पर, परमत माना माया की मत, श्री अर्थात श्रेष्ठ मत है बाप की, वह है रावण की मत परमत। इसलिए बाप ने कहा है आसुरी संप्रदाय सब रावण की जंजीरों में बंधे हुए दुखी हैं। मनुष्यों ने सतयुग की आयु लाखों वर्ष समझ ली है, तुम तो हिसाब बताते हो 5000 वर्ष कैसे हैं। क्राइस्ट को 2000 वर्ष हुआ, बुद्ध को 2250 वर्ष हुए, फिर इस्लामी को 2500 वर्ष हुए, सबको मिलाकर आधा कल्प हुआ। सबके भवन का उनके पहले तो देवताओं का राज्य था, फिर देवताओं को लाखों वर्ष कैसे कह सकते हैं। इतने मनुष्य होते फिर तो मनुष्य बहुत हो जाते, इतने तो है नहीं। 5000 वर्ष में ही करोड़ों मनुष्य हो जाते हैं, कहते भी हैं क्राइस्ट के 3000 वर्ष पहले भारत में आदि सनातन देवी देवता धर्म था। 5000 वर्ष पहले पूरे हो जाते हैं, नाटक पूरा तो होता है ना। इन बातों को कोई जानते नहीं, मैं जो हूँ, बाबा ने कहा मैं जो हूँ जैसा हूँ यह चक्र फिरता है, कोई जान ना सके, बाप ही समझाते हैं। यह है गीता एपिसोड, बाप ने आकर सहज राजयोग सिखाया था। बाबा बुढ़ियों को भी समझाते हैं कि यह बहुत सहज बात है, सिर्फ बाप और वर्षे को याद करना है। बच्चा पैदा हुआ, गोवा वारिस पैदा हुआ, तुम समझते हो हम बाबा के वारिस हैं, 5000 वर्ष बाद फिर से मिलने आए हैं, यह बड़ी गुप्त बातें हैं। बाबा पूछते हैं आगे कभी मिले हो, कहते हैं हाँ बाबा, आत्मा इस मुख द्वारा कहती है हम 5000 वर्ष पहले आपसे मिले थे, आप इस तन द्वारा शिक्षा देने आए थे। जो पक्के पक्के बच्चे हैं
समझते हैं हम बाबा से बेहद का वर्षा लेने बैठे हैं, हम बेहद के बाप के बने हैं ब्रह्मा द्वारा। बाप कहते हैं मुझे पहचानते हो, मैं तुम्हारा बाप हूँ। तुम कहेंगे हाँ बाबा, हम आत्माओं के आप परम पिता परमात्मा बाप हो। बाप भी कहते हैं तुमको हमने स्वर्ग में भेजा था, वर्षा दिया था, फिर माया ने छीन लिया, फिर अब मैं देता हूँ। माया वर्षा छीनती है, बाप दिलाते हैं। यह अनेक बार खेल हो चुका है, होता रहेगा, अंत नहीं है। बाप के बनते हैं फिर कोई सगे कोई लगे, कोई सोतेले कोई मोतेले मातेले बनते हैं। कच्चे पक्के तो है ना, पक्कों को भी माया कभी माया एकदम जीत लेती है। बच्चे कहते हैं बाबा हम जब तक जिएंगे आपसे वर्षा लेते रहेंगे, विकर्मों का बोझा सिर पर बहुत है। तो जितना तुम याद में रहेंगे उस योग अग्नि से तुम पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनते जाएंगे। आग चीज को पवित्र करती है, मैंने कहा आग चीज को पवित्र करती है। तुम्हारी है योग अग्नि, यह बेहद का यज्ञ है, बेहद के सेठ ने बेहद का यज्ञ रचा है। इतने वर्ष कोई भी यज्ञ चलता नहीं है, 7-8 रोज व 1 मास के लिए यज्ञ रचते हैं। तुम्हारा यज्ञ तो कितने वर्षों से चल रहा है, बाप तो सुनाते रहते हैं, कहते हैं भूल मत जाना, सिर्फ मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के विकर्मों का बोझा कट जाएगा। भगवान उवाच, मुझ अपने बाप को याद करो, जरूर आया हुआ है तब तो कहते हैं ना। बाप कहते हैं अब तुमको वापिस जाना है, तुम्हारी आत्मा इस समय बहुत पतित है। अब तुम जानते हो योग से हम पावन बनते जाएंगे। तुम्हारी तो प्रतिज्ञा है कि आप जब आएंगे तो और संग तोड़ तुम संग जोड़ेंगे, तुम पर वारी जाएंगे स्त्री पुरुष पर और पुरुष, भवन का स्त्री पुरुष पर और पुरुष स्त्री पर बलिहार होती है ना, यहाँ है बाप पर बलिहार जाना। शादी में एक दूसरे पर बलिहार जाते हैं ना, बाप कहते हैं तुम को कोई मनुष्य पर बलिहार नहीं जाना है। तुम्हारी प्रतिज्ञा है आप पर बलिहार जाऊंगी, आप हमारे पर बलिहार जाओ तो 21 जन्म तुमको सदा सुखी बनाऊंगा। कितना भारी वर्षा है, श्रीमत से तुम श्रेष्ठ बनेंगे, तुम भूलो मत, लक्ष्मी नारायण का चित्र भी घर में रख दो। हम बाप से यह वर्षा ले रहे हैं, बाप परम धाम से आए हैं, परंतु माया चील भी कम नहीं है। सब की बात नहीं है परंतु नंबरवार है, कोई तो एकदम भूल जाते हैं। हम बाप से वर्षा लेते हैं, यहाँ बैठे हैं तो नशा चढ़ता है, यहाँ से बाहर निकला और भूला, फिर सुबह को रिफ्रेश होते हैं, फिर सारा दिन भूल जाते हैं। 4-5 वर्ष रहकर अच्छी सर्विस करने वाले भी आज देखो है नहीं। कुछ अवज्ञा की है तो माया ने जोर से थप्पड़ मारा, चले गए। बाबा कह देते हैं चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकना चूर। देखते हो कैसे चकना चूर हो जाते हैं, बैकुंठ में तो जरूर चलेंगे परंतु पद तो नंबर वार है ना, भल वहां सब सुखी रहते हैं फिर भी मर्तबे तो है ना। स्कूल में मर्तबे पाने के लिए ही तो पुरुषार्थ करते हैं ना, ऐसे नहीं प्रजा ही सही, जो तकदीर में होगा नहीं उस इसको तमो प्रधान पुरुषार्थ कहा जाता है। सतो प्रधान उनको कहेंगे जो बाप से पूरा वर्षा लेने की प्रतिज्ञा करते हैं। यह घुड़दौड़ है, बाबा ने कहा सभी नंबर वन तो नहीं जाएंगे ना, यह ह्यूमन रेस है। तुम चाहते हो हम जल्दी शिव बाबा के गले में पिरोए जाएं तो उनको याद करना पड़े। सारा मदार याद पर है, माया विघ्न ऐसा डालती है जो एकदम रेस से निकाल देती है। तुम्हारी ह्यूमन रेस है, आत्मा कहती है हम बहुत दुखी हुए हैं, शरीर लेते लेते बहुत तंग हुए हैं, कहते हैं अब जाएं बाबा के पास,
बाबा ने युक्ति तो बतलाई है। कहते हैं बाबा हम आपकी याद में ही रहेंगे, जितना टाइम निकाल सको उतना अच्छा है। गवर्नमेंट की सर्विस में भी 8 घंटे दे तो ऐसे याद में भी 8 घंटे तो रहो। सृष्टि को स्वर्ग बनाना यह कितनी भारी सर्विस है। सिर्फ बाप को याद करो और सुखधाम को याद करो, बस 8 घंटा सर्विस करेंगे तो तुम पूरा वर्षा पाएंगे। ऐसे ऐसे याद करते करते तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। 8 घंटा इस सर्विस में दो, बाकी 16 घंटे तुम फ्री हो। जितना हो सके तुम घड़ी घड़ी याद करो। याद तो कहाँ भी बैठ कर सकते हो। सबसे अच्छा टाइम है तुमको सवेरे मिलेगा। बाबा ने कहा सबसे अच्छा टाइम तुमको सवेरे मिलेगा। सिंधी में कहावत भी है, सवेरे सोना सवेरे उठना। वही मनुष्य बड़ा गुणवान है। यह गायन भी अभी का है। बाप कहते हैं रात को जल्दी सो जाओ और फिर सवेरे सवेरे उठो। अज्ञानी लोग 8 घंटा नींद करते हैं, तुम्हारी नींद आधी होनी चाहिए, 4-5 घंटा नींद बस। तुम कर्म योगी हो ना, रात को 10 बजे सो जाओ, 2 बजे उठो। शिव बाबा को याद करने से तुम्हारी कमाई बहुत है, तुमको हेल्थ वेल्थ दोनों ही मिलेंगी। अच्छा 2 बजे नहीं तो 3 बजे उठ जाओ, 4 बजे उठ जाओ। फर्स्ट क्लास समय वह शांति रहती है, सब अशरीरी बन जाते हैं, उस समय सन्नाटा बहुत होता है। अमृत वेले की याद अच्छा असर करती है। बाबा बहुत करके रात को जागते रहते हैं। सूक्ष्म सर्विस में थकावट नहीं होती, कमाई से तो खुशी होगी। तुम बच्चे सवेरे उठकर अपनी अविनाशी कमाई करते रहो। अच्छा मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग शिव बाबा, गुड मॉर्निंग मीठे बाबा, प्यारे बाबा, मेरे बाबा शिव बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है नंबर 1, 21 जन्म सदा सुखी बनने के लिए एक बाप पर पूरा पूरा बलिहार जाना है। श्रीमत से श्रेष्ठ बनना है। मन मत व परमत को त्याग देना है। कोई अवज्ञा नहीं करनी है। नंबर 2, सवेरे सवेरे उठकर याद में बैठ कमाई करनी है। सृष्टि को स्वर्ग बनाने की सर्विस कम से कम 8 घंटा जरूर करनी है। आज बाबा ने वरदान दिया, बाबा का हाथ अपने सिर पर अनुभव करते हैं और वरदान को अपने अंदर में समा लेते हैं। बाबा ने कहा देह के भान को अर्पण कर समर्पण होने वाले योग युक्त बंधन मुक्त भव। देह के भान को अर्पण कर समर्पण होने वाले योग युक्त बंधन मुक्त भव। विस्तार है, जो देह अभिमान को अर्पण करता है उनका हर कर्म दर्पण बन जाता है। जैसे कोई चीज अर्पण की जाती है तो वह अर्पण की हुई चीज अपनी नहीं समझी जाती है, तो देह के भान को भी अर्पण करने से जब अपनापन मिट जाता है तो लगाव भी मिट जाता है। उन्हें ही संपूर्ण समर्पण कहा जाता है। ऐसे समर्पण होने वाले सदा योग युक्त और बंधन मुक्त होते हैं। उनका हर संकल्प हर कर्म युक्ति युक्त होता है। स्लोगन है, सर्वशक्तिमान को साथी बना लो तो सफलता आपके चरणों में आ जाएगी। सर्वशक्तिमान को साथी बना लो तो सफलता आपके चरणों में आ जाएगी। मीठे बच्चे इस समय तुम बाप के ऊपर बलिहार जाओ तो 21 जन्मों के लिए तुम सदा सुखी बन जाएंगे। ओम शांति, ओम शांति।